हुआ था यसनया पॉलियाना के नॉर्दर्न सेक्टर में। यहाँ पे अर्ली एंगेजमेंट्स की बात करेंगे तो टीम सोल एंड ओआर वंस अगेन यहाँ पर एंगेज करेंगे एक दूसरे को। डेस्ट्रो को पड़ चुका है हैवी डैमेज, बट फिलहाल के लिए तो एक फर्स्ट एड है अपने आप को 75% एचपी तक बूस्ट करने के लिए। यहाँ से 50-50 चांसेस बन जाते हैं। क्या बेहतरीन ये फ्लैंक है रेगल टॉस की तरफ से, हाथ में वीएसएस है और ये ग्रेनेड किसके लिए किया जा रहा है। ये कनेक्शंस कनेक्शन अगर बना जाते तो शायद एंटो को नॉक करने का मौका। बैरल आयरन साइड पे, वो इट्स टफ मैन, इट्स टफ बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एंड रेगल टॉस के हाथ में है तो आई एक्सपेक्ट द शॉट्स टू बी कनेक्टेड एज वेल। रेगल टॉस की बात करेंगे, बेसिस को रीलोड करेंगे भी थोड़ी कम है। ये 4 vs 4 फाइट ये दोनों टीम्स के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको यहां पर फाइट छोड़नी पड़ेगी इफ यू वॉन्ट टू गो अबव द टेबल चाप्स। यहां पर आपको गेम पे दिखाना पड़ेगा शॉट्स कनेक्ट होते हैं एंटो के ऊपर, ऑलमोस्ट 85% एचपी ड्रॉप की गई है। संभल के रहना पड़ेगा, हीलिंग्स अवेलेबल है भले ही यहाँ पे ओआर के पास, लेकिन अर्ली रोटेशंस नहीं लेंगे तो फिर से हमें वही चीज देखने का मौका मिलेगा जो पहले हमने देखा है। ऑन द अदर साइड मॉर्टल हो जाता है नॉक, रिटर्न में यहाँ पे ट्रेड लिया जाएगा रेगल टॉस के द्वारा। फिनिश पे इनफेक्ट करने वाले हैं, मवी भी आ चुके हैं, मवी यहाँ पे बेहतरीन कवर फायर प्रोवाइड करते हुए। मॉर्टल यहाँ पर अभी के लिए रिवाइवल ले जरूर से लेंगे, बैकफुट पे धकेली जा चुकी और इस रॉक की टीम और सही जगह पर सही तरीके से रिवाइवल मिल जाएगा मॉर्टल को। टीम सोल को भी हो सकता है अगर सही तरीके से जोन के अंदर जाने में अगर ये यू नो सक्षम नहीं हो पाते हैं। दो खिलाड़ी बचे हुए हैं, बड़ी जबरदस्त टीपी भी यहां पर ली जाने वाली है। आदित्य पैनिक रूम के अंदर कुछ खास स्टेप्स नहीं देने वाले, सबको लग रहा होगा कि ये ऊपर होंगे फर्स्ट फ्लोर के पैनिक रूम में होंगे, बट नीचे आदित्य है और ऊपर वैक्सी है, डॉट एचपी में सर्वाइव कर रहे हैं। स्काउट यहां पर स्काल के साथ आदित्य को डाउन कर देंगे, डाउन टू वन, इट्स ओनली वैक्सी जो ऑरेंज रॉक्स यहां पर बचे हुए हैं। इसी स्क्वाड हाउस पर वैक्सी एक बार 1v4 कर चुके हैं, बट इस बार नहीं, 4 फिनिशेस जाएंगे यहां पर टीम सोल के नाम, 2 जाएंगे स्काउट के पास।